और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिविल लाइन से। विधायक गोपाल शर्मा जयपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बातचीत की गई। बता चले 5 से 7 जनवरी को पीएम मोदी और अमित शाह जयपुर आएंगे, साथ ही साथ पूरे देश के डीजीपी और आईजी भी जयपुर आएंगे। इसके साथ ही 2 से 4 जनवरी तक 3 स्तरों पर चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में बगरू विधायक कैलाश वर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, महापौर सौम्या गुर्जर और क्षेत्र के पार्षद मौजूद रहे। जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए नगर निगम ग्रेटर ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने समिति अध्यक्ष, पार्षदों समेत प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें 22 जनवरी तक मिशन मोड पर सफाई अभियान चलाकर रामोत्सव का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रामलला आने वाले हैं, इसलिए जयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, जिसके लिए सामाजिक संगठनों, धर्म गुरुओं, व्यापार मंडलों, विकास समितियों का सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ में ही जहाँ 22 जनवरी को रामलला जी विराजेंगे प्राण प्रतिष्ठा हो, तो वो भी सब हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि नया साल क्योंकि आज 1 जनवरी से हमने शुरुआत की। रामोत्सव के रूप में हम ये 21 दिन हम मनाएंगे, बस रामोत्सव के रूप में हम शुरुआत करेंगे कल से, कि सबसे पहले हमारे जितने भी जो स्टेट महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उन सब मूर्तियों की धुलाई, उनकी सफाई करके हमारी निगम की टीम, हमारी जनप्रतिनिधिगण, हम जन जन सहभागिता से भी हम करेंगे कि वो भी अपनी सहभागिता दें, और उसके साथ में हम इनका माल्यार्पण करके हमारे महापुरुषों को याद करेंगे कि उन्होंने इतना सुंदर शहर, इतना सुंदर देश के लिए उन्होंने योगदान दिया, और हम सब के लिए जो आज हम जी रहे हैं, आज हम खुले आसमान में हम सांस ले पा रहे हैं, अपने अधिकारों के साथ हम यहाँ खड़े हैं आज उनके बदौलत। जैसलमेर में भारतीय सेना और संयुक्त अरब अमीरात की सेना के बीच संयुक्त अभ्यास आज किया जा रहा है, जिसके लिए यूएई की सेना राजस्थान के मरुथल में पहुंच चुकी है। इस युद्ध अभ्यास को डेजर्ट साइक्लोन नाम दिया गया है। आज से शुरू होने वाले यह युद्ध अभ्यास 15 जनवरी तक चलने वाला है, जिसके लिए भारतीय सेना की टुकड़ी भी थार मरुस्थल पहुंच चुकी है। खबर रेनवाल से है, जहां साल के दूसरे दिन भी कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर के चलते सर्द हवाओं में और गलन का एहसास होने लगा है। ऐसे तापमान में भारी गिरावट की वजह से हो रहा है। आलम यह है कि ठंड के चलते रेनवाल का तापमान 3.5 डिग्री पहुंच चुका है। यह टेम्परेचर कृषि विश्वविद्यालय के वैधशाला में दर्ज किया गया। घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में गंभीरी नदी पर सबमर्सिबल पुल निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। यह निर्माण कार्य करीब 12.50 करोड़ की लागत से यूआईटी को करवाना था, और पुल के दोनों ही तरफ जमीन अधिग्रहण का कार्य नगर परिषद को करना था। इसे लेकर नगर परिषद यूआईटी के बीच एमओयू भी हुआ है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से करीब 2.25 साल के बीच में जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में पुल का निर्माण अटक कर रह गया है और करीब 14 महीने से रास्ता बंद हो जाने से चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की जनता रास्ते बंद होने से परेशान दिख रही है। नवंबर 2022 से निर्माणाधीन है। इस पर 12 स्पान का एक ब्रिज बनाने का कार्य था, तो हमने 8 महीने में 12 स्पान का ब्रिज जुलाई माह में कंप्लीट करके तैयार कर दिया। तत्पश्चात इनके नगर परिषद से एक वीआईटी का एमओ हुआ, उसमें जमीन दोनों तरफ जो अप्रोच की जमीन आने वाली है जो उसको आवाप करके जैसे भी मुआवजा देके या प्लॉट के बदले प्लॉट देके इनका नगर परिषद ने हमारे को सहमति दी कि ये सारी जमीन का क्लियरेंस हम करके देंगे। उसी आधार पे हमने इसका ब्रिज का NIT लगा के निर्माण कार्य माह नवंबर से प्रारंभ कर दिया। उसके तहत जो हमारे ने बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे और इसके वजह से ठेकेदार का 2 महीने से काम अटका पड़ा है और आगे काम हजारेश्वर महादेव की तरफ काम नहीं हो रहा। हम इसके लिए काफ़ी प्रयास किए, तत्कालीन कलेक्टर, नगर परिषद से भी, सभापति से भी, कि इसकी ज़मीन का क्लियरेंस जल्दी करके दें, लेकिन आज दिनांक तक इधर वाला पोर्शन की क्लियरेंस नहीं होने से अभी काम रुका हुआ है।
ये नगर परिषद की साधारण सभा की मीटिंग में निर्णय हुआ था कि ये भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करवा के और जमीन यूआईटी को हैंडओवर करेगी नगर परिषद। इस दिशा में हमने प्रयास किया था, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने का भी प्रक्रिया चालू कर रखी है, साथ ही उन लोगों से सहमति लेके और राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्णय सहमति के आधार पर होता है तो उसको भी करने का हम प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही इसको पूर्ण करके दे दिया जाए। नगर परिषद लापरवाही नहीं दिखा रही है तो भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया है, हम हमारे स्तर पर प्रयास कर रहे हैं शीघ्र ही करके उनको। उधर रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या से पूजित अक्षय और पत्र को घर घर जाकर वितरित किया है। मोहल्लों और बस्तियों में टोलियां बनाकर राम भक्त कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए 22 जनवरी को दीपक जलाकर दीपावली मनाने का आह्वान कर रखी है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ओझा, सत्यनारायण वैष्णव और उमेश सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ेंगे आगे। नागौर के मीरता रोड थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 15 घंटे के भीतर ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया गया ट्रेलर वाहन भी बरामद किया है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक ट्रेलर को दो तीन व्यक्तियों ने दूसरे लाभों की कपड़ा दी। उस पर वैन चौकी पर तैनात जापा मौके पर पहुंचा। मैं भी मैं जापा से मौके रात्रि के अंदर तलाश की गई। अभी उनका बारे में मालूम करने पर पता चला कि सुरेंद्र इसमें ओम प्रकाश इसमें जयपुर में नए साल के पहले दिन जवाहर कला केंद्र में मुक्ताकाशी मंच पर धोक ऑफ राजस्थान न्यू ईयर म्यूजिकल इवनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फ्रांसीसी रॉक स्टार यारोल पॉपर ने पॉप एंड रॉक और लोक संगीत के साथ एक फ्यूजन क्रिएट करते हुए समा बांध दिया। एंड रॉक के साथ पारंपरिक संगीत का फ्यूजन यंगस्टर्स के लिए एक अलग तरह का अनुभव रहा और सभी संगीत की धुन पर नाचते और एंजॉय करते नजर आए। खबर झालावाड़ के खेजरपुर तहसील से है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने झालावाड़ उज्जैन रेलवे लाइन की मांग को लेकर पोस्टकार्ड अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने एक पोस्टकार्ड पीएम मोदी के नाम लिखकर क्षेत्र के लिए रेलवे लाइन की मांग की। बता चले ग्रामीण कई सालों से रेलवे लाइन की मांग को लेकर सांसद और विधायकों के समक्ष मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पाया और इसी के चलते ग्रामीणों ने अब पीएम मोदी से पोस्टकार्ड के जरिए मांग की है। राधेश्याम जांगी, गांव खिजरपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान का रहने वाला, जो कि उज्जैन से झालावाड़ रेलवे लाइन जो बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन परियोजना है, जिसकी मांग करने हेतु हम प्रधानमंत्री जी को एक ये मांग रखते हैं, जो लेटर के द्वारा उनको अवगत करा रहे हैं। उज्जैन से झालावाड़ तक की सारी जनता मिलके, एक 150 किलोमीटर का क्षेत्र है पड़ता है, यहाँ से यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा इस रेलवे लाइन निकलने से। ये क्षेत्र पड़ता है पूरा क्षेत्र में कोई रेलवे विहीन क्षेत्र है ये। उधर जयपुर के आमेर में नए साल की शुरुआत के साथ ही कोहरे और तेज सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। तेज सर्दी के चलते लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। शीतलहर के कारण कड़ाके की सर्दी से लोगों को जूझना पड़ रहा। वहीं किसानों को फसलों में पानी देने के लिए कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ रही है। उधर घने कोहरे के चलते सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को वाहनों की लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रही है। उधर भिलवाड़ा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बदले मौसम के साथ तापमान का मिजाज भी बदल गया। बदलते मौसम से लोग घरों में नजर आए, वहीं कई लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। अब सर्दी में बदलते मौसम के साथ सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। नए
शुरुआत के साथ ही भिलोड़ा का मौसम का मिजाज ही बदलता नजर आया। कल रात से ही भिलोड़ा में धूम के घने कोहरे के कारण लोग घर में दुबके दिखाई दिए, तो वहीं बढ़ती सर्दी को देखते हुए हॉस्पिटलों में सर्दी जुकाम के मरीज भी दिखाई देने लगे हैं। वहीं कई लोग अलाव का सहारा लेते भी दिखे। ऐसी बढ़ती सर्दी को देखते हुए अब लोगों ने अपनी सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं पवन बावरी, नवतेज टीवी, भिलवाड़ा। झालावाड़ में केंद्र के हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने मोर्चा खोला हुआ है। ट्रक ड्राइवरों के साथ टैक्सी और निजी बस चालकों ने भी हड़ताल की हुई है। इसके साथ ही इन चालकों ने झालावाड़ के मिनी सचिवालय तक पैदल रैली निकालकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और इस कानून को काला कानून बताते हुए सरकार से वापस लेने की मांग की है। झालावाड़ जिले के वाहन चालक संघ के अध्यक्ष तंवर सिंह राठौर ने जिला कलेक्टर आलोक रंजन को मेमोरेंडम देकर केंद्र सरकार से काले कानून को वापस लेने की मांग की है। ये ड्राइवरों के लिए क्या हो रहा है? ड्राइवरों को ये जो कानून निकाला है इन्होंने, जो लागू करना चाहते हैं। क्या कानून निकाला है? ये जो ड्राइवरों को मतलब एक्सीडेंट में 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, इसके लिए सारे भाई ड्राइवर हम इकट्ठे हुए हैं। ड्राइवरों की इतनी सैलरी तो होती नहीं है, बहुत गरीब है बेचारे ड्राइवर लोग, और कोई जानवर आ जाता है तो उसे भी बचाने की कोशिश करते हैं। ये तो मेरा यही कहना है उनसे, ये कानून आप ना लागू। उधर जयपुर में शौर्य नारियों एक दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा, भरतपुर, ढोलपुर और अजमेर, जोधपुर और जयपुर से बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें जय श्री श्याम स्पोर्ट्स कराटे अकादमी के बच्चों ने अपना दमखम दिखाया और 8 स्वर्ण 5 रजत पदक हासिल किए हैं। बता दें आगे इन बच्चों का राष्ट्रीय खेलों के लिए चयन हुआ है, जिसका इवेंट दिल्ली की तालकटोरा स्टेडियम में आगामी 27 और 28 तारीख को होगा। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध करते हुए नागौर में निजी बस चालक और वाहन चालक हड़ताल पर हैं और इस दौरान आज सभी ड्राइवर सड़कों पर उतर आए और सरकार को कानून वापस लेने की मांग की है। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जारोड़ा तिराहे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया है, तो वहीं यात्री गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए परेशान होते दिखाई दिए। आम ड्राइवर जो भी गाड़ी चलाता है, आम ड्राइवर के लिए बहुत भारी परेशानी पैदा करती है कि ऐसा एक्सीडेंट होने के बाद आप भगोगे नहीं, जाओगे नहीं। अरे यार हमारी क्या औकात है? फौज में जो फौजी होता है उसके सामने भी कोई गोली ठोकने वाला या मारने वाला आ जाता है तो वो भी इधर उधर छिपता है। तो ये आपने मोदी जी ने ये कानून बिल्कुल गलत कानून बनाया है और इससे आम ड्राइवर के ड्राइविंग इतना भारी जुर्माना लगा दिया है। एक छोटा सा ड्राइवर, अदना सा ड्राइवर, जिसको एक बहुत कम पैसे मिलते हैं, इतनी बड़ा जुर्माना भर नहीं सकता और ना ये गाड़ी चलाने की स्थिति में कोई नहीं है, गाड़ी चलाने की स्थिति नहीं है। इसलिए कानून आपको तुरंत वापस लेना चाहिए। एक्सीडेंट होने पर जो ड्राइवर फंस जाता है वो मर जाता है, उसके लिए आपने कोई कानून नहीं बनाया। जिस ड्राइवर को मान लो जनता पब्लिक पीट पीट के मार डालती है, उसी साहब को मार डालती है, उसके लिए आपने कोई कानून नहीं बनाया। ये कानून बिल्कुल गलत है। आम ड्राइवर ड्राइवर की मतलब ड्राइवर वो भी ड्राइविंग करता है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वो ड्राइवर करता है, इतना भारी जुर्माना नहीं ले सकता है। काले कानून तुरंत वापस लेने चाहिए। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहे नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।